पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में किया बड़ा खुलासा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी हां, दतिया जिले में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी थे 10,000 के इनामी। दतिया शहर में विगत 4 दिन पूर्व 2 अलग अलग स्थानों पर हवाई फायरिंग एवं मारपीट कर शहर में दहशत फैलाने वाले आरोपियों को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। दतिया पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर किया बड़ा खुलासा, जहां पुलिस अधीक्षक के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, दतिया SDOP सुमित अग्रवाल, कोतवाली TI रविंद्र गुर्जर बडोनी, TI रविंद्र शर्मा उपस्थित रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बल एवं SDOP द्वारा शहर के ईदगाह मोहल्ले एवं दतिया शहर के लाडू रत्न हॉस्पिटल पर हुई हवाई फायरिंग को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना मिली कि शहर की ठंडी सड़क डालडा फैक्ट्री के पास हथियार सहित कुछ युवक बैठे हुए हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस टीमों का गठन कर दबिश दी गई। जहां मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त कर लिए गए। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर लाडो रतन हॉस्पिटल पर हवाई फायर करने वाले आरोपियों को भी मुखबिर की सूचना पर हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में कार्यवाही TI रविंद्र गुर्जर, TI रविंद्र शर्मा, जिगना थाना प्रभारी वैभव गुप्ता, SI भास्कर शर्मा व सभी आरक्षकों की सराहनीय भूमिका रही। और उसमें जो आरोपी थे उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया गया, तो काफी पुराने अपराध उनके हवाई फायरिंग के और लंबे धरों के पेंडिंग थे। 3-4 टीमें बनाई गई, अलग अलग स्थानों पर प्रवेश दी गई। और कल मालूम चला कि जो ये अपराधी थे दीपक मलैया, उनका भाई लालजी मलैया, मिथुन यादव और एक संजू यादव, ये लोग डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। वहां पर जब टीम ने दबिश दी, तो उन्हें नए हथियारों में गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार ईदगाह मोहल्ला में हवाई फायरिंग करके दहशत के लोगों ने फैलाई थी। अंकु कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, भैया खान, इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग भी डकैती बनाने की योजना बना रहे थे। धारा 399-402 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो पूर्व के अपराध था, उन दिन पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये जो वीडियो वायरल हुए थे, इनसे आम लोगों में एक भय का माहौल बना था। और इसके बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी जिगना प्रभु गुप्ता, थाना प्रभारी बड़ौली रविंद्र शर्मा, इन लोगों ने काफी मेहनत की और हमारे अधिकारियों ने लगातार पर्यवेक्षण किया है। अभी ये जो दो मुख्य आरोपी हैं, लालजी जिसके ऊपर 10 अपराध हैं, और सॉरी दीपक मलैया पर 10 अपराध हैं, इसमें 5 अपराध हवाई फायरिंग के हैं, और एक आरोपी नंदू कुशवाहा जो फायरिंग करते हुए दिख रहे थे हमारा, तो इन दोनों पे नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट कासुबा के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सारे आरोपी पकड़ चुके हैं जो उन्होंने फायरिंग की है दहशत फैलाने के लिए? मुख्य थे वो सारे पकड़े जा चुके हैं। एक भैया खान अभी फरार है, उसको भी शीघ्र पकड़ लिया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।